ट्रेनिंग में सिलेक्शन नंबर 1 चाहिए थे, इसलिए तुम्हारा टेस्ट रखा था। इस टेस्ट में तुम दोनों ही इक्वल निकले। ऑल द बेस्ट। मेरा इस बैंक रॉबरी से कोई संबंध नहीं है सर। शट अप डर्टी रास्कल। हाय तेजा,
मैं ज्वाला बोल रही हूँ। हेलो ज्वाला, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर। व्हाट्स द मैटर? कश्मीर प्लांट में आपकी जरूरत है सर। इज इट? हाँ, डीजीपी ने आपको इमीडिएटली बुलाया है। श्योर, इवनिंग के फ्लाइट से ही मैं आ जाता हूँ। ओके बाय सर। बाय। फैंटास्टिक। हेलो, कल बैंक चोरी के केस में तुम और वो तुम्हारे एसीपी निवास से जिसे अरेस्ट किया उसका भाई बोल रहा हूँ। पद्मिनी और मुन्ना मेरे पास है। अगर मेरा भाई नहीं छूटा तो इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों नहीं बचेंगे, मेरे भाई को। बेटी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? स्पेशल ड्यूटी है क्या? पद्मिनी और मुन्ना को उस बैंक के लुटेरों ने किडनैप कर लिया। हाँ? क्या कह रही हो तुम? कल हमने जिनको अरेस्ट किया अगर उसे छोड़ देंगे तो वो पद्मिनी और मुन्ना को छोड़ देंगे। उसके भाई का फोन आया था। तो तुम खुद जा रही हो? तो मैं क्या करूं, उस लुटेरे को यूं ही जाने दूं क्या? नहीं बेटी, ऐसा करके तुमने अपने पति को खो दिया है। अब बेटी और बहन की जान खतरे में क्यों डाल रही हो? तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर उस काम के लिए अपने बेटे को ही भेजूंगी। आंटी। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी बहुत ही एहसानमंद हूँ, इसलिए उनको छुड़ाने के लिए मेरे बेटे को वहाँ भेजो। तुम्हारा एहसान चुकाने का वक्त अब आ गया है। अब इसके आगे और मत कुछ कहना। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। लेकिन क्यों सर? उनकी पहुंच बहुत ऊपर। तो क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ऑफिसर, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? हाँ, मैं सब समझता हूं। Yeah.
मैंने इन्हें भेजकर एकदम करेक्ट डिसीजन लिया है। थैंक यू सर। पद्मिनी और मुन्ना को बचा के उन्होंने पुलिस की मदद की है। निवास, यस सर। इस केस को पुलिस की निगरानी में रखो, कोर्ट में केस क्लियर होने के बाद बैंक को सौंप देंगे। ओके सर। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट। कैसी रिक्वेस्ट? सर, इनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अगर इन्हें शहर में अपॉइंट कर दे तो डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा और क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। श्योर, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू सर। विक्रम, देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐ, ऐसे क्या देखते हो? अब कुछ तो कहो, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? मुन्नी कौन से स्कूल में पढ़ती है? जुबली पब्लिक हाई स्कूल। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अरे विक्रम धर्मा, यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे दिख रहे हो। आज ये ड्यूटी पे ज्वाइन हो रहा है मैडम, आपसे ब्लेसिंग लेने आया। नो 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 फॉर्मेलिटी, ऑल द बेस्ट। अपने माँ से आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दीजिए। कामयाब होगी तो देखो, ये सब किरण की मेहरबानी है। पिछले 20 सालों में मैंने इतनी खुशी आपके चेहरे पे कभी नहीं देखी। आपकी तो इच्छा पूरी हो गई, दोनों बेटे पुलिस ऑफिसर बन गए, है कि नहीं? हम चलते मैडम। अब आए हो तो कॉफी पीकर जाओ, ये चाय कॉफी नहीं पीते हैं। लगता है इन लोगों को मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। इट्स ओके, जाके ऑरेंज जूस। अच्छा ठीक है, मुझे भी एक गिलास जूस बेटी। क्या हो गया इन लोगों को? पावर ऑफ लव, सबकी पावर कच, हमारी लव पावर पिच। तो इसका मतलब ये हमारी बात नहीं सुन रहे? ना ये देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, समझे? हेलो, देख लिया तुमने? यस, आई लव यू विक्रम। क्या बात है? बस कुछ नहीं, उसके सपने देख लिए। ठीक है। ये पागलपन छोड़ के उन दोनों को देखो। डेविड धवन की फिल्म जुड़वा में जैसे सलमान डबल रोल में था ना, वैसे ही ये दोनों भी बिल्कुल एक जैसे हैं सर। अरे बताओ, इन दोनों में से विक्रम कौन और धर्मा कौन है? बताऊंगा, शर्त लगाते हो? शर्त लगाते हो तो चलो चलो।
हजार रुपए हड़ेगा। विक्रम धर्मा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे कैसे बता दिया यार? अरे बेवकूफ, शर्ट पे नेम प्लेट लिखा है। तू तो बड़ा जादूगर निकला रे, तेरा दिमाग इतना तेज कैसे हो गया? सिवाय रुपयों के तुम लोगों को कोई और बात नहीं सूझती? अब ये फालतू की बातें छोड़ो और इसको देखो, ये इस मुल्क को अफगानिस्तान बना देगा। इसका नाम है सत्य प्रकाश। इसके इशारे पर लॉकर्स खुल जाते हैं। कल रिलीज हो रहा है, हमको थोड़ा अलर्ट होना होगा। सब स्टेशन को इसकी फोटो भेज दो। आपको देख के बहुत हिम्मत आती है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। जिंदगी कैसी चल रही है? शहर में नहीं थे तो दुश्मनों की चांदी हो गई थी। मंगलसूत्र की कसम, अग्नि की कसम खाकर कहता हूँ, भगवान की कसम, आज से मैं पुराने धंधे छोड़ रहा हूँ और फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर। ये सब पैसे ले रहे ना, तू भी लेना। बात आज का नहीं, कल का भी नहीं है भैया। आप हमको जिंदगी भर देते रहेंगे, हमको पता है, लेकिन ये जिंदगी तो नहीं है, इससे अच्छा तो दादागिरी है। तो क्या तू फिर से दादागिरी करेगा? नहीं भैया, अगर आप कहें तो हम तलवार छोड़ दें, मरने को कहेंगे तो मर जाएंगे। आप कुछ भी कहेंगे हम करेंगे, पर दादागिरी नहीं करेंगे तो हम जियेंगे कैसे, ये तो बताइए हमका। अच्छा बोल, पहले तू क्या करता था? ऑटो चलाया। अब भी वही कर, चार रिक्शा खरीद और रेंट पे दे, आराम से जिएगा। आखिर ये सब कहा कर रहे हैं आप? फिर क्या करें, आखिर कितने दिन टेंशन में जिएंगे हम? बाहर जाए तो टेंशन, घर में हो तो टेंशन, किसी न किसी को हम मारते हैं, फिर हमें जेल में बिठा देते हैं। कब मारे जाएंगे ये भी नहीं मालूम इस धंधे में। जीना है तो किसके लिए जीना? आज तू किसी को मार देगा, कल उसका भाई तेरे को मार देगा, फिर हम लोग उसके लोगों को मारेंगे। आखिर कितने दिन ऐसे करके जिंदगी बिताएंगे हम लोग? हमारे बच्चे भी दादागिरी करेंगे। नहीं रे, बीवी और बच्चों के साथ हम खुशी से रहना चाहते हैं। एक बार फिर सोच ले। Thank you.
पहले ही खाना खा लेना चाहिए। बीच रात को मुझे क्यों सता रहे हो? इस केस में किसको किसको अरेस्ट किया गया? जितने लॉ ब्रेकर्स हैं उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। शायद इनके भाई भी चोर हो सकते हैं। अगर इन लोगों ने कुछ और प्लीज आप ही लीजिए। Any clues? ये रहा मैं। इस तरह शिवाजी बीड़ी पीने वाले क्रिमिनल्स की लिस्ट कहाँ है? जल्दी निकल। रेडी मैडम। मोहम्मद पाशा। उस पर तो कोर्ट केस है, इसलिए हम उसे पुणे लेकर जा रहे हैं। यस मैडम। नेक्स्ट। ईश्वर प्रसाद। नो नो। पिछले महीने कार एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया, वो हॉस्पिटल में है। नो चांस। नेक्स्ट। और जो बचा है वो है सत्यप्रकाश। एग्जैक्टली। वो तो लॉकर खोलने में एकदम माहिर है और बीड़ी भी पीता है। पूरी तरह छानबीन करो और अरेस्ट करो। ओके मैडम। फिर बदमाशी कर रही है। आई लव यू भैया। आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है, भाग जाइए। आने दो, डर क्यों रहा है तू? अरे वो बात नहीं, हमारी बात सुनिए। पुलिस कस्टडी में चोरी, उसका प्रेस्टीज इश्यू है। चोरी का इल्जाम आप पर है ना? एसीपी नवाज ठीक आदमी नहीं है, पीटने के बाद बात करता है। पहले आप भाग जाइए प्लीज भैया। जल्दी कीजिए। जगह छान मारो। कोई नहीं सर, अंदर सिर्फ उसके बीवी और बच्चे हैं। उन दोनों को जीप में बिठाओ। छी, ये पुलिस वाले भी ऐसे हैं। जब देखो सेशन केस चोर, फिर इनके प्यार करने के लिए वक्त कहाँ से मिलेगा? कला धर सर, वो लड़की किसको मिलने आ रही है? डेफिनेटली तुम्हारे लिए तो नहीं आ रही है। 100 रुपए की शर्त। डन डन। जाने मन ओ जाने मन, दिल आज मस्ती में ये धड़के मेरा। ओ जाने मन ओ जाने मन, दिल आज मस्ती में ये धड़के मेरा। पास
आके तेरे एक बात हमदम मेरे कहने को दिल ये मेरा तड़पे ए जाने मन ओ जाने मन दिल आज मस्ती में ये धड़के मेरा ओ जाने मन। विक्रम साहब का टेबल कहाँ है? उधर जाओ। थैंक यू वेरी मच। 100 रुपए मेरे पास नहीं है। तो झुको, घोड़े की सवारी करूंगा। अरे कितनी देर से बुला रहा हूँ, इधर आओ। क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं। नमस्ते साहब। जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन तुम घर पर ही थे ना? हाँ साहब। उस दिन क्या हुआ था? मैं यहाँ हाथ धो रहा था साहब, वहाँ पेड़ के पीछे कुछ आवाज सुनाई दी, वहाँ कोई खड़ा था, बुलाया तो कोई नहीं है। उसने क्या पहना हुआ था? काला कोट पहना था। नहीं साहब, सफेद कोट था। क्या तुमने उसे देखा था? Come on, tell me. देखा था। क्या देखा था? साफ साफ बताओ। मेरा पति चिल्लाया तो मैंने आके देखा कि सफेद कोट वाला वहाँ से भाग रहा था। नहीं नहीं, काला कोट था। नहीं सफेद कोट था। अरे काला कोट था। नहीं सफेद कोट। काला कोट था बोला ना? नहीं सफेद कोट। बोला काला? नहीं सफेद कोट। आखिर तुम लोगों ने देखा था कि नहीं? नहीं देखा। क्या वो ऐसा था? एक बार सोच कर बताओ। नहीं साहब, ठीक से नहीं देखा, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। माँ, पापा अच्छे इंसान बन गए हैं ना, तो फिर पुलिस हमारे घर क्यों आती है? माँ, मुझे पापा के पास ले चलो ना। मैं ले जाऊंगा। बोलो, तुम्हारा पति कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, मेरी बेटी की कसम, उन्होंने चोरी छोड़ दी थी। तो ट्रेजरी में वो बिड़ी क्या उड़ कर गई? जेल से छूटने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। चोरी वाली रात को तुम्हारा पति घर में था क्या? वो शाम को मैं और मेरा पति फणीभूषण राव जी के घर गए हुए थे, आधी रात तक हम वहीं पर थे। फणीभूषण राव, वो उद्योगपति फणीभूषण था? हाँ साहब। उस दिन मेरे घर में शिव की पूजा थी, बहुत सारे लोग आए थे, वीडियो भी लिए थे, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो बदल गया? बिल्कुल बदल गया। मैं अपनी फैक्ट्री में उसे जॉब भी देने वाला हूँ। मरेगा चिड़िया। समझ में नहीं आ रहा है, नहीं भी खड़ा है, खा भी रहा है, खत्म कर दिया। ये क्या है? पिज्जा सर। हर रोज मेरी टेबल पर पिज्जा कौन रख जाता है? बोल दिया ना सर, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी। सर आपने टोपी निकालो। किस लिए सर, पिज्जा देख रहे हैं ना? फिर कभी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोला तो लात मारूंगा। आखिर कौन थी वो? आप नहीं जानते सर, वो बहुत खूबसूरत है, वो हर रोज यहाँ आती है और पिज्जा रखकर चली जाती है। जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो आपको पता होगा सर। पूछो तो कहती है लव का गिफ्ट है, पागलों की जैसी बात करती है सर। ठीक है, फिर आए तो इन्फॉर्म करना। डेफिनेटली, रंगे हाथों पकड़ेंगे सर। एक्सक्यूज मी विक्रम सर। क्या है? सच सच बताइए, वो पीछे वाली लड़की से आपको मोहब्बत है ना? जरा टोपी निकालना। नेम प्लेट देखना सीखो। आई एम धर्मा। हेलो, कौन? मैं सत्य बोल रहा हूँ। फोन एसीपी निवास को दो। हेलो निवास, यार। यो निवास, हाईटेक कंट्रोल रूम में बैठकर मुंबई पर राज करने की सोच रहे हो? मर्द है, तूने मेरे बीवी बच्चों को क्यों अरेस्ट किया? सुन, शाम तक अगर तूने उनको नहीं छोड़ा तो तेरे कंट्रोल रूम को कश्मीर बना दूंगा, हर रोज एक पुलिस ऑफिसर को मारूंगा। सुना तूने?
कल सत्या से बात करते समय तुम छुपकर सुन रहे थे, आखिर तुमने वो टेप क्यों लिया? सत्या पर इल्जाम लगाने के लिए? वो तुम ही थे जिसने पुलिस ट्रेजरी में चोरी की और वहां पर बीड़ी फेंक दी। तुम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को धोखा दे रहे हो। धर्मा, निवास का मरना अच्छा नहीं हुआ। It's a shame on our department. उस मौत और उस चोरी का कोई गहरा संबंध हो सकता है मैडम? कुछ नहीं, ऐसे ही बोला था। आपने सही कहा। धर्मा? Yes, मैडम। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए? आए हैं मैडम। फिंगरप्रिंट्स है क्या कोई? नहीं है सर, वैसे भी लेफ्ट हैंड यूज किया है। You are right. ट्रेजरी लूटने का काम और निवास का कत्ल एक ही ने किया है। Who is that? Who is that? Who is that black sheep? मैं सत्य बोल रहा हूँ। फोन एसीपी निवास को दो। हेलो निवास यार। क्यों निवास? हाईटेक कंट्रोल रूम में बैठकर मुंबई पर राज करने की सोच रहे हो? मर्द है? तूने मेरे बीवी बच्चों को क्यों अरेस्ट किया? सुन, शाम तक अगर तूने उनको नहीं छोड़ा तो तेरे कंट्रोल रूम को कश्मीर बना दूंगा। हर रोज एक पुलिस ऑफिसर को मारूंगा। साहब, सत्ता साहब। क्या रे, क्या हुआ? मालूम है महरूम का किया है? एसीपी निवास को मारकर केस आपके ऊपर डाल दिया है। सब लोग अपनी तलवारें निकालो। सत्या, हम दोनों अलग अलग हैं लेकिन हमारा धंधा एक ही है। मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं आऊंगा, पर मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये निर्णय बिल्कुल गलत है। मेरा निर्णय कभी गलत नहीं निकलता। मार दो सबको। तुम? ये आपके लिए एक लड़की ने भेजा है था। कौन थी वो? नाम नहीं बताया, पर ये पिज्जा आपकी टेबल पे रखने के लिए मुझे 1,000 रुपए देती है। वो ऐसा क्यों कर रही है? Because she loves you, sir. Stop it. आपसे डायरेक्ट नहीं मिल सकती इसलिए रोज पिज्जा भेज रही है सर, ताकत के लिए। रोज सुबह मारुति कार में आती है सर, अगर आप उसे देखेंगे तो खो जाएंगे। बहुत खूबसूरत है। प्रीति चिंता जैसी है सर। प्रीति सर, कल आप आइए, मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। मेरे पैसे नहीं मिलेंगे पर आपकी लव स्टोरी सक्सेस हो जाएगी सर। सर प्लीज सर। ठीक है, मैं कल आऊंगा, वो लड़की दिखा देना। अच्छा सर। हर रोज की तरह ये पिज्जा लेकर स्टोर पे सेवन के बाद नहीं। वेरी स्मार्ट। स्मार्ट और वो, मैंने उसे प्यार तो नहीं किया तो पिज्जा थोड़ी ना बेचूंगी।
मैं तो उसे अपना दिल भेजूंगी। तुम्हें उनसे प्यार हो गया है? हाँ, मेरे बारे में कुछ और पूछ रहा था क्या वो? हाँ? हाय पद्मनी। विक्रम, तुम और यहाँ? आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो फिर लेट क्यों कर रहे हैं सर? पद्मिनी, अगर लेट करोगी तो मैं पिज्जा दे दूंगी। हे पद्मिनी। नहीं विक्रम। कम ऑन। तो इतने रोज से पिज्जा भेजने वाली तुम हो? कम ऑन बेबी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ तो। नो देवी, ऐसे भी निवास के मौत के पहले क्या वो लैब में आए? यस मैडम। क्या तुम्हें याद है कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था? शायद कल्पित डिपार्टमेंट में ही है मैडम। सच में कल्पित डिपार्टमेंट में है? हाँ मैडम। उस दिन निवास यहाँ कितने बजे आए थे? 6 बजे आए और 6:30 बजे चले गए मैडम। और यहाँ से निवास कहाँ गए थे? वॉचमैन के घर चले गए मैडम। आई सी। लक्ष्मी। हाँ? मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, आज शनिचर है, शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है, जरूर आ जाऊंगा, जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। हे भगवान, इस चोर का फोटो पेपर में क्यों आया? और दोनों एक जैसे हैं। हे भगवान, वो चोरी कैसी हुई मुझे नहीं मालूम, पर इस पैसों में से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अगर ये गलत है तो मुझे और मेरे पति पर कोई आपत्ति नहीं आए। मुझे क्षमा कर देना, मेरी रक्षा करना भगवान। अगर ये सच है तो ये बताओ, वो लुटेरा कौन है? आप अंदर बिना दरवाजा खोले आप अंदर कैसे आई? जैसे वो लूट के पैसे तुम्हारे डिब्बे में आ गए, उसी तरह मैं अंदर आ गई। मुझे सब कुछ पता है, साफ साफ सब कुछ बता दे, नहीं तो लॉकअप में डाल के डंडे मारूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। जानती हो, तुम्हारे पति की वजह से निवास मारा गया, अपने फर्ज के कारण जान गवा बैठा वो। याद रखो, अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पति को ये सब नहीं मालूम, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगे। तो फिर उस दिन क्या हुआ था ये बताओ मुझे, डरने की कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें लुटेरे की शक्ल याद है? हाँ देखा था, अपनी आंखों से देखा था, तब नहीं मालूम था, लेकिन आज इस पॉकेट में उसका फोटो देखा। पेपर में आया है? हाँ, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। इन दोनों में से तुम लुटेरे को पहचान सकती हो? हाँ, इसी में से एक होगा। जब वो दीवार फाड़ कर जा रहा था तो उसके हाथ से पैसे गिरे, वो उसने बाएं हाथ से उठाए थे। हाँ, तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ मैं। आज से तुम्हारा ड्रामा व्रामा सब बंद। दीदी। क्यों डर गई ना? जस्ट फॉर फन। तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, पर आज तुम बहुत खुश लग रही हो। क्यों, निवास का केस सॉल्व हुआ? नहीं, अगर हुई होती तो तुम्हें विक्रम बता देता। विक्रम, ये कौन है? वाओ, ब्यूटीफुल एक्टिंग। आपको विक्रम नहीं मालूम, क्या बात है। विक्रम ठीक है, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे और विक्रम के बारे में, तुम दोनों के प्यार के बारे में सब मालूम है मुझे। कमन कमन, सब कुछ सच बता दो। ओके ओके, आप जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन ये बात बताने के लिए वक्त नहीं था। आप वो एसीपी मर्डर केस के बिजी थे ना, वो केस सॉल्व होने के बाद मैं बताने ही वाली थी। वो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लड़का है। सो तो है, जब वो तुम पर पैसा खर्चा करता है तो अच्छा लड़का हो गई। कंजूस है, बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल खत्म होने का डर होता है उसे। पर आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही, तुम्हारी शादी की बात करनी है। उन दोनों को रेस्टोरेंट पे बुला लेना। ठीक है।
ये आइसक्रीम क्यों ऑर्डर किया मैडम? पद्मिनी ने कहा कि ब्लैक संडे आइसक्रीम तुम दोनों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। विक्रम, तुम्हारे और पद्मिनी के प्यार के बारे में मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मां। थैंक यू मैडम। मेरा भाई बहुत लकी है मैडम, जिससे प्यार किया उसी से शादी कर रहा है। कम ऑन धर्मा, शुरू करो। धर्मा, लेफ्ट हैंड वाले बहुत ही लकी होते हैं, हाथ क्यों बदल रहे हैं? धर्मा जी, माँ मैं किरण के घर जा रही हूँ। क्यों माँ? किरण के पास कोई चोरी का केस आया हुआ है, इसलिए बच्चों के साथ रहने के लिए जा रही हूँ। वो चोर को जरूर पकड़ लेगी। अब उसने फोन किया क्या? नहीं, वो सुबह खुद आई थी। हमारा सारा घर उसने छान मारा और तुम्हारे रूम का उसने फोटो लिया। उसे बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है माँ। किरण के हाथ में कोई चोरी का केस आया हुआ, वो चोर को जरूर पकड़ लेगी। हेलो। हेलो, मैं किरण बोल रही हूँ, आप कौन? नमस्ते मैडम, मैं हूँ धर्मा। यस मैडम। विक्रम है क्या? नहीं मैडम। सर, किरण मैडम ने आपको स्क्रीनिंग हॉल पर जल्दी पहुंचने के लिए कहा है सर। ओके। धर्मा, आदमी को क्या चाहिए? आदमी के ऊपर डिपेंड करता है मैडम। कांस्टेबल इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इंस्पेक्टर डीएसपी बनना चाहता है, डीएसपी एसपी बनना चाहता है, एसपी के बाद डीआईजी, बाद में डीजीपी, आईजी, और उसके बाद इसका अंत कहाँ है? आदमी की मुराद पूरी होने तक। एक तरफ सिर्फ गुनहगार है और दूसरी तरफ वफादार पुलिस वाले। तुम किस तरफ हो ये बताओ मुझे। What's that you want? मैं अब भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहना चाहता हूँ। अब नहीं रहोगे। You are a criminal. कोर्ट को सबूत चाहिए और आपके पास कोई सबूत नहीं है। धर्मा, धर्मा अपने रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं आने देता। अगर आप बनी तो आपको भी हटा देगा। इट मेक्स नो डिफरेंस। याद रखो, मैं धर्म और न्याय की स्पीड ब्रेकर बनकर तुम्हें बताऊंगी। सुनो, नाम धर्म और काम पाप का करते हो तुम। डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए स्पीड ब्रेकर बनूंगी। आई विल शो यू द डिफरेंस। जान आफ्टर ऑल। नहीं, ये ठीक नहीं होगा।
अगर मैंने तुम्हारी जान ली तो तुम्हारी माँ की सारी आशाएं मिट जाएंगी। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, गुनाह कबूल करो, अच्छे आदमी बनो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। बैक हाइमर स्टोन सोलर क्रेंस, इस जगह में मारे तो स्पॉट डेड। रियल कुंफू फाइटर कभी भी इस जगह में पंच नहीं कर सकता। नीचे उतरो,
कोई भी आने वाले तो गोली मार दूंगा। आउट। का बेटा हूं, तुम्हारे जैसे गुंडे मैंने बहुत देखे हैं। मेरी धरती पर राज करने आए हो, खबरदार। अरस दम। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच।
सर आपको पता है आपने किसे अरेस्ट किया? मालूम है, ये अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कंप्लीट करके हिंदुस्तान में आया है अबू सालम बैच। उसने US डॉलर देकर पायलट ट्रेनिंग पूरी की। न्यूजीलैंड के हवाला कंपनी के लोग इसको प्लान देंगे। मलेशिया का वरदराज इसको RDX सप्लाई करेगा। अगर इसको हमने छोड़ दिया तो किसी न किसी हवाई जहाज को हाईजैक करेगा या ताजमहल या पार्लियामेंट हाउस को उड़ा देगा। ये सब आपको कैसे मालूम है? कौन है आप? तेजा, महेंद्र तेजा, CBI स्पेशल ऑफिसर। इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को पकड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। मुझे इसलिए भेजा गया है कि यहाँ आकर आप लोगों की मदद करूं। ट्रेजरी का केस और निवास किरण पांडे की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करके उसके पीछे के कातिलों को सजा दिलाऊं। अंडरस्टैंड? सलाहकार जी, ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? एक केला तो खरीद सकते हैं ना सर? देखो बेटी, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और कमाई बहुत ही कम है। मेरी अंदर भी कुछ इच्छाएं होती है तो एक्टिंग करके पूरी कर लेता हूँ। इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं सर? मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसे कैसे जमा करूँ यही सोच रहा हूँ। उसकी भी एक्टिंग कर लीजिए। ज्वाला, लोकल पुलिस ऑफिसर्स में बताए गए काम को पूरा करने वाले लोगों के नाम बताओ। विक्रम एंड धर्मा, यानी वो ट्विन ब्रदर्स। यस, उन दोनों में सिंसियरिटी है, लॉयल्टी है, एफिशिएंसी भी है। वी कैन ट्रस्ट देम। पुलिस वालों को इतनी जल्दी राय नहीं देनी चाहिए। क्यों सर? लुक, हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब हम लोगों के काम होने के बाद ही ये सब बोलना चाहिए। सिगरेट पीना है तो मैचेस चाहिए, मर्डर करना है तो मोटिवेशन चाहिए, केस सॉल्व करने के लिए सूत्रधार चाहिए। नो थैंक्स। ज्वाला, अगर चोर बाहर से आया है तो उसने ट्रेजरी को लगाए लॉक को रॉड से तोड़ दिया होता है, और जब कभी भी लॉक तोड़ा जाता है तो तोड़ने पर ताला और उसका लीवर दोनों टूट जाता है। उस रात जब मैं छानबीन कर रहा था तो ट्रेजरी का लॉक मेरा पहला सूत्रधार था। दिस इज द फर्स्ट क्लू विच आई गॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ताला किसी बाहर के आदमी ने नहीं तोड़ा है, ताला किसी अपने ही आदमी ने तोड़ा है। पुलिस ट्रेजरी का लॉक चोरों के हाथ कैसे आएगा? गलती से अगर आया भी तो फिर वो चोरी के बाद कंट्रोल रूम के बोर्ड पर लॉक को क्यों रखता है, किस लिए रखेगा? हमारे डिपार्टमेंट में किसे लॉक खोलना आता है वो डिटेल मुझे चाहिए। आई वॉन्ट ऑल द पुलिस ऑफिसर्स लिस्ट फ्रॉम कमिश्नर टू कॉन्स्टेबल, सबकी डिटेल चाहिए। मिस्टर तेजा, इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं। निवास ने इस फाइल को बनाया है ना? यस। उस ट्रेजरी के चोर के डिटेल्स निवास ने इस फाइल में रिकॉर्ड किया है ना? हाँ। यह फाइल नहीं चाहिए। फिर भी किरण वर्मा के तैयार किए गए कॉन्फिडेंशियल फाइल में उस चोर की डिटेल्स हैं। धर्मा, उस फाइल का कलर क्या है? रोज कलर सर। वो फाइल कहाँ है? सक्सेना साहब, वो फाइल कहाँ है? विक्रम, वो फाइल कहाँ है? रंगा स्वामी के पास है सर। Where is that रंगा स्वामी? आखिर बात क्या है बेटा, बताओ तो सही। उस दिन जो कुछ भी हुआ तुमने किसी को बताया तो नहीं? बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, कम से कम इसी खातिर तो मुझे छोड़ दो। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। किरण वर्मा ने जो रोज कलर की फाइल तैयार की है वो मुझे दे दो। अगर आपको वो फाइल दी तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। पुलिस को दी तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। वो फाइल मुझे चाहिए। अगर वो पूछे तो? ये फाइल दे देना। सर,
वो तेजा इस फाइल के लिए तड़प रहा होगा। अगर वो पूछे तो ये फाइल मुझे दी है, या कुछ और उल्टा सीधा मत कह देना, समझ गए ना? आदत पड़ गई है भगवान, अगर मुझे कोई राज मालूम हुआ तो किसी न किसी को बताए बगैर नींद नहीं आती है। हे भगवान, अब किसी भी तरह इस राज को मैं विक्रम तक पहुंचा दूं, इतनी शक्ति दो। कैसा राज? मेरी आंखों के सामने ही किरण वर्मा को आपके भाई धर्मा ने मार दिया सर। अगर ये बात मैंने बोली तो मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी है सर। मैं डर गया इसलिए मुझे छोड़ दिया सर। आपको क्या चाहिए? विक्रम साहब हैं? नहीं, धर्मा साहब हैं। कौन धर्मा? क्यों, धर्मा का नाम सुन के डर लग रहा है? डर रहा हूँ? मैं क्यों डरूं? कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। बोलो रंगास्वामी, कैसे आना हुआ? कोई खास बात नहीं, मैं अपने परिवार के साथ वाराणसी जा रहा हूँ, लीव लेटर देने के लिए आया हूँ सर। शुक्रिया सर। अच्छा काम कर रहे हो। अरे भगवान, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। आ रही हूँ। बच्चों को ऐसे क्यों मार रहे हो? बच्चों को ऐसे नहीं मारते, उसकी माँ से कहो वो संभाल लेगी उसे। क्यों जी, आप नहीं चल रहे हो? तुम पहले चलो वाराणसी में, तुम अपने भाई के घर में रहना। आप नहीं आ रहे क्या? आऊंगा, अर्जेंट काम है ऑफिस में, उसके पूरा होते ही मैं वाराणसी में आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। चलो, ट्रेन का टाइम हो गया है। सही समय पर आए हो, आज शनिचर है, बालाजी की पूजा की है, ये लो प्रसाद। आपको एक बात बतानी है। पहले प्रसाद लो। अब बोलो क्या है? अब आपसे कैसे बताऊं मैं? क्या हुआ, मेरे बच्चों को कुछ हुआ है क्या? नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है किरण जी को हुआ है। किरण को जिसने भी मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए। माँ जी, उसकी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं उसका नाम बता दूं तब भी ऐसा ही बोलेंगी आप? अगर वो मेरा बेटा भी है तो भी मैं मार दूंगी। माँ जी, मेरी आंखों के सामने आपके बेटे धर्मा ने किरण वर्मा को मारकर भाग गया वो। तुम सच कह रहे हो? मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, ये सच है। मेरे आंखों के सामने ही किरण वर्मा को मार दिया। अगर मैं ये बात किसी को बोला तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देगा, उसने धमकी दी है। माजी, महादेवी जी, महादेवी जी, अरे क्या हुआ आपको? कौन सी दवा है ये? है क्या? मैं अभी लेकर आता हूँ।
हेलो विक्रम बेटा, क्या बात है माँ? तुम जल्दी घर आ जाओ, बीपी फिर बढ़ गया क्या? पहले तुम इधर आ जाओ बेटा। ठीक है माँ। हेलो विक्रम, मुझे होम मिनिस्टर के ऑफिस जाना है, उस केस की फाइल जल्दी लेकर आओ। ओके सर। धर्मा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर जाकर देखा। आ गया विक्रम, किरण को हमारे धर्मा ने मार दिया है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें किसने बताया? धर्मा, किरण का कत्ल क्या तूने किया? सच बता, बोलो, ऐसे क्यों किया? मेरी कसम खाकर बता, तूने कत्ल नहीं किया। बोल कि तू कातिल नहीं है, किरण का खून तुमने नहीं किया है। मुझे मालूम है किरण का खून तुमने नहीं किया, बता बता। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं, मुझे माँ मत बुला, इतना घटिया काम। मैंने तो सिर्फ तुम्हें जन्म दिया था, पर किरण ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उसी को तुमने मार दिया। तुझे तो भगवान भी नहीं छोड़ेगा। माँ, शराफत का रास्ता ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो गुंडागर्दी करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसे फिर से जीना है तो कुछ सच्चाई है जो मैं तेजा साहब को बता देता हूँ। मैं भी जाकर उनसे मिलता हूँ। वहाँ जाने से आपकी जान जा सकती है। डरो मत विनीता, उन्हें कैसे मिलना है मुझे मालूम है। पुलिस ट्रेजरी की चोरी करना, पुलिस की जेब काटना इतना आसान नहीं है। उस आदमी का हमारे डिपार्टमेंट से संबंध जरूर है। उस आदमी का पता लगाने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। मिस्टर विक्रम। यस सर। किरण वर्मा का मर्डर करने वाले को आपने देखा है ना? हाँ सर, पीछे से देखा था। ये सब ऑफिसर्स ट्रेजरी का लॉक खोल सकते हैं, आप सब एक बार मुड़ जाइए। विक्रम सर, इन सबको पीछे से देखकर ये बताओ, उस रात जिस खूनी को तुमने देखा था इनमें से है? सर मुझे याद आ गया सर, वो हमारे धर्मा जैसा लगता है सर। वाह भैया वाह, तेजा साहब को ही मारने निकला तू। जब उस दिन तूने महरूख को मारा था तभी मैं जान गया था कि तू बहुत बड़ा गुंडा है। हाँ, जब मैंने ये सोचा कि महरूख को तुमने क्यों मारा था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में भी नहीं, हाँ बाद में स्ट्राइक हुआ, वो नेश रोप भी मेरे ऊपर डाल सकते हो। पिक्चर टोटल क्लियर,
ट्रेजरी की चोरी और निवास का मर्डर भी तुमने किया है ना? Am I right? काकी वर्दी पहनकर तुम ऐसे काम कर रहे हो? जी, अच्छी बात नहीं, बदनाम मत करो। एक किरण बेदी, एक व्यास, एक तेजा, ये सब खाकी वर्दी का नाम ऊंचा करने वाले शेर हैं। तुम शेर मत बनो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन लोगों को बदनाम मत करो, मत करो बदनाम उन लोगों को। मैं अभी इसी वक्त तेजा साहब को ये सब बोल देता हूँ। तेने कदरा चपड़ा की मेरा गुरुदेव है तेजा, एक किरण बेदी और एक व्यास, ये सब लोग इस देश के अनमोल रत्न हैं। ऐसे आदमी को तो मारना चाहते थे। अरे धर्मा, ये क्या कहते तुमने? सर, मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, तब ये सत्या जो है तेजा साहब के घर जा रहा था। मुझे डाउट हुआ और मैंने उसको फॉलो किया, मेरा शक सही निकला सर। जाकर देखा तो सत्या तेजा साहब को मारने बेड पर जा पहुंचा। भगवान की मेहरबानी है सर, साहब वहां नहीं थे। इसे पीछे मैं दिखा, मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की पर इसने नहीं सुना। मुझे मारना चाहता था, इससे बचकर यहां तक आया, फिर भी इसने नहीं छोड़ा और मुझे इसको मानना पड़ा सर। रिलैक्स धर्मा, आज सर रिलैक्स। जी सर, इस केस को धर्मा की सेल्फ डिफेंस बोल के निवास किरण वर्मा चंद्र प्रकाश। इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नतीजा देखने के बाद ये पता चला कि तीनों डेथ किक से मारे गए। आई नो हिम। तुम दोनों को जल्दी से लोनावाला जाना है। लोनावाला? क्यों सर? यहाँ कश्मीर मिलिटेंट्स ने लोनावाला के फॉरेस्ट में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को स्टार्ट किया है। ये सब दिल्ली से इन्फॉर्मेशन आया है। तुम दोनों को जल्दी वहां पर पहुंचना होगा।
वो बदमाश कहीं भी हम उसे पकड़ लेंगे सर। ये उतना आसान नहीं है, ये छोटी कैंप नहीं है, बहुत बड़ा कैंप है। टेक केयर। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों कामयाब होगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। केस में जो भी गुनहगार है वो आपको अभी मालूम हो जाएगा। ज्वाला सर, ये रुपए किरण वर्मा ने इसको दिए थे। इस चोरी में इस लड़की का कोई हाथ है क्या? नहीं सर, ट्रेजरी के चोर को एक महिला ने देखा था, हमारी अप्रूवर है अरुणा, ये वॉचमैन की पत्नी है अरुणा। उस रात जो भी हुआ इन्होंने मुझे बता दिया है। ओके, आप जा सकते हैं। सर, इन दोनों में एक चोर है। इन दोनों में एक चोर है। आप यकीन से कैसे कह सकते कि वो धर्मा ही है? वो रंगा स्वामी बताएगा। धर्मा जब किरण वर्मा को मार रहा था तो उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी मैडम बहुत अच्छे इंसान थी, फिर भी मार दी गई, इसलिए कि उन्हें एक सच का पता चल गया था। और अब वो सच तुम्हें पता चल गया है, तुम्हारा क्या करूं? उसने मुझे मारना चाहा और मैंने ये सच किसी को न बोलने का वादा किया। बाद में वो मेरे घर आया और फाइल देने के लिए धमकाने लगा, पर वो फाइल मैंने उसे नहीं दी सर। रंगा स्वामी ने बड़ी चालाकी से फाइल के पेपर बदल कर असली पेपर मुझे दिए। धर्मा ने फाइल ले ली। ये रही असली फाइल, जिसमें आपको निवास को मिला प्रूफ और किरण पांडे का पता लगाने का सच आपको मालूम हो जाएगा। ये है कृपा निधि, कराटे मास्टर। धर्मा और किरण वर्मा को इसने ही कराटे सिखाया था। कराटे में एक रॉक किक होती है, वो है डेथ किक। उसी किक से धर्मा ने निवास और किरण को मारा था। गुनेगार कितना भी चालाक हो, कहीं न कहीं सबूत छोड़ता है। धर्मा ने जब सत्या को मारा था तो उसने भी एक सबूत छोड़ दिया। फर्स्ट टाइम मर्डर जो भी करता है वो डर जाता है, पर धर्मा को मारने की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो आराम से घर में गया। मैं उसका पीछा करता रहा। घर जाके वो आराम से रिलैक्स हो गया। मैंने उसके बेडरूम के अंदर देखा, धर्मा के वेंटिलेटर के नीचे शू प्रिंट दिख रही थी, वही शू प्रिंट। बाहर वॉल पर देखकर मैं चौंक गया, जल्दी से लैब में गया। वहां के शू प्रिंट्स और ट्रेजरी पे मेरे शू प्रिंट्स एकदम टैली हो गए। उससे एक केस सॉल्व हो गया। तो देर किस बात की है, उन्हें लोनावाला से जल्द बुला लो। धर्मा साहब, विक्रम साहब के लिए मुंबई से फोन आया है। थैंक यू। ठीक है। हेलो हेलो विक्रम, मैं पद्मिनी बात कर रही हूँ, एक बात कहनी थी। असली चोर का पता लग गया है। चोर, चोरी कांड, एसीपी का कातिल, मेरे बहन का कातिल तुम्हारा भाई धर्मा है। मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रम, प्लीज तुम आ जाओ जल्दी। ठीक है, तुमने ये बात मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। श्रीकांत, गाड़ी रोको। उ
पानी पी। धर्मा, धर्मा! ये क्या किया धर्मा? धर्मा तुमने ये क्या किया? क्या कहा? धर्मा ने खुदकशी कर ली? हाँ साहब, मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा, मैंने गाड़ी रोक दी। धर्मा साहब और विक्रम साहब बाहर उतरे, हम दोनों देख रहे थे, वो कूद गए सर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर कि धर्मा ऐसा काम करेगा। शायद उसको ऐसा लगा हो कि यहाँ आते ही वो अरेस्ट हो जाएगा। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन एकदम ठीक थी। चलो अच्छा हुआ जो धर्मा ने खुद अपने आप को सजा दे दी, नहीं तो डिपार्टमेंट का नाम खराब होता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। आप चाहे इस मामले में कुछ भी कहें सर, पर वो मेरा भाई था। मेरी आंखों के सामने अभी भी वो भयानक हादसा घूम रहा है। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। गुनहगार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। रिलैक्स, तुम जरा और 3-4 दिन रेस्ट ले लो। ओके, थैंक यू सर। क्यों तेजा, विक्रम पर भी डाउट कर रहे हो? उनका हैंडप्रिंट किस लिए ले रहे हो? ज्वाला, पुलिस वाले कौवे की तरह होते हैं, जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखो इन पर जो हैंड प्रिंट्स है वो विक्रम के हैं या नहीं। आई वांट द रिजल्ट्स इमीडिएटली। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, नो, ही इज धर्मा, वी मस्ट अरेस्ट हिम। एक दिन कृष्ण भगवान जंगल में गए, लकड़ियाँ काट रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे जानवर आपको छोड़ेगी नहीं। आओ खाना खाते। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसे इस तरह छोड़ना बहुत ही खतरनाक है। कम ऑन फास्ट मूव। धर्मा के मौत के बारे में जब भी ख्याल आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है विक्रम। सब जगह ढूंढा, कहीं पता नहीं चला। कम ऑन। Together.
क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? शराब पी के कार चलाता है? अरे चल अंदर, अभी दिखाता हूं तुझे। गलती तो उसकी है, गाड़ी चलाता है तू। पुलिस की जीप को टक्कर मार के भागता है, आखिर है कौन तू बता? बोल 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 बोल। थैंक यू सो मच पापा। क्या बेटी, एक ड्राइवर नहीं रख सकती हो? यू आर डॉटर ऑफ जमुना दास। ये लो ये पैसे, उसे दे दो। ये मेरे पापा का थैंक्स, ये मेरा थैंक्स। पुलिस ने मुझे बहुत पीटा फिर भी मैंने आपका नाम नहीं लिया। फिर से थैंक्स। पुलिस की बात को छोड़िए, आपका नाम बताइए। सपना, माय नेम इज सपना। अच्छा है। मेरा नाम सपना है। अच्छा है। आपका नाम? धर्मा है, पर पीपी नंबर है। पीपी नंबर? पीपी नंबर क्या है? फोन करके धर्मा को बुलाने के लिए कहो, मेरे घर के बाजू में एसटीडी बूथ है, 6625696। हेलो, कुड आई स्पीक टू धर्मा? सपना, अभी नहीं, अभी मैं यहीं पर हूँ। मॉर्निंग बिफोर 9, इवनिंग आफ्टर 9, ओके? ओनली 12 आवर्स, वेटिंग थ्रिलिंग, आई लाइक इट। सपना, बेटी कहाँ हो? पापा, मैं गेस्ट हाउस में हूँ, वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। गुड न्यूज़ फॉर यू, मैं आ रहा हूँ, यू वेट। व्हाट अ जोक, मेरी शादी आपने फिक्स कर दी। सपना, शादी कोई जोक नहीं है, लाइफ। सर्टेन एज में सर्टेन लड़के से शादी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझी तुम? आई नो, आई एम लविंग समबडी एल्स। पापा, आई एम सॉरी पापा, डोंट मिस्टेक मी, आई कांट हेल्प इट। I love Dharma और मैं उसी से शादी करूंगी। हेलो सपना, जल्दी घर आओ। पापा, I'm on the way। इसके बारे में कल बात करेंगे। बाय। सपना डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। सपना, कॉफी। कॉफी क्या? इस वक्त कॉफी? टाइम 8 बज गए हैं। तुम्हारा डिसीजन क्या है? कम ऑन, टेल मी। आपको धर्मा ओके है ना? देन कल ही शादी, नो डिस्कशन। सपना, लिसन टू मी, कल ही तुम्हारा होने वाला पति अमेरिका से आ रहा है, हमारे गेस्ट हाउस में रहेगा। यू आर मीटिंग देयर एट शार्प 9। नो मोर एक्सक्यूजेस। सॉरी पापा। 15 दिन, ओके। आज सुबह 3 घंटे, इट्स ऑल राइट। हाफ एन आवर में प्रवीण आ रहा होगा, कम ऑन, से यस। नो। हेलो धर्मा, अच्छा हुआ कि तुमने फोन उठाया, आज हम दोनों शादी कर रहे हैं। कब? अभी। ए सपना, हाफ एन आवर में मंदिर आ रही हूँ। आई लव यू सो मच, बाय धर्मा। सीता, कैच। यूजलेस फेलोज, वो सेल बहुत कीमती था। हाँ सपना, मेरी बात नहीं मानने पर जस्ट यू कैन गेट आउट। या आई एम गेटिंग आउट पापा। ए, मेरे ड्रेसेस कितने हैं? सिर्फ 4 है, मैं लेके आऊँ क्या? तुम्हें कितनी बार कहा है फिर भी सुनती नहीं हूँ। गेस्ट हाउस में एटलीस्ट 10 ड्रेसेस होने चाहिए। ठीक है, जो भी है उनमें से एक अच्छी ड्रेस निकालो फास्ट। सीता, वो अच्छी ड्रेस लेकर तुम पहन के दिखाओ, देखेंगे कैसे लगती हो। पापा, नो जोक्स प्लीज, आई एम इन हरी।
कितने बार बोलना पड़ेगा? 5 मिनट में आना होगा, जाओ। पापा, this is too much. मुझे अभी बाहर जाना है। क्या तुम इन कपड़ों में बाहर जाओगी? नहीं, 3,000 रुपए का ड्रेस वेस्ट। सीता, हाँ? तुम्हारी ड्रेस इसे दे दो। जी। बेटी है इसलिए लास्ट टाइम स्मॉल गिफ्ट, यू कैन हैव इट, गो। हाय अंकल। आई लेकर अंकल। बैठो बेटी। प्रवीण, शी कांट स्पीक इंग्लिश। कोई बात नहीं अंकल, मुझे हिंदी पसंद है। एक्चुअली मैं अमेरिका में रहता हूँ, फिर भी घर में हिंदी में ही बात की जाती है। उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है ये। फेल। कोई बात नहीं अंकल। कम ऑन। प्रवीण, आई एम सॉरी, एक्चुअली शी इज माई डॉटर। क्या अंकल, मेरी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम है। आपकी लड़की हो या कोई और लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं, दिस गर्ल और दैट गर्ल। शायद तुम्हारा टाइम हो गया है। मिले मैम साहब, मिले चाहिए। इडियट। एक्सक्यूज मी, आप बैठिए। थैंक्स। पकड़ ये पैसे ले लो, नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाओ, 200 रुपये और दूंगा। अगर रूम आसानी से मिल गया तो 400 रुपये और दूंगा। आती हो क्या? बैठो, आपकी सीट नहीं चाहिए। ए हीरो, वक्त कुछ लिए क्या? किधर जाना है? गणपति मंदिर। 5 रुपया। मेरे पास पैसे नहीं। ए बस तेरे बाप का ले है, फुकर जाने का। चल उतर, चल उतर। मैं बुलाया तो आई नहीं, अब मंदिर कैसे जाती, देखता हूँ। छपरी, यहाँ क्यों बैठी है? ये मेरी जगह है, मैं तुझे ऐसे नहीं दूंगी। चलो उठ, उठ जा ना, बड़ी आई है, चलो उठ। कैसा पानी है? ऑटो रिक्शा वाले के पास क्या मिनरल वाटर मिलेगा? ला मुझे दे। थैंक्स अ लॉट। कहाँ जाना है? हाँ, गणपति मंदिर। 100 रुपए लगेगा, है क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ जाने के बाद दे दूंगी। बैठ जा। रेल बंडी नड़पे दी, जल्दी पैसे निकालो। 24-25 यानी 2 और 5, इतने से काम नहीं चलेगा। ये लो। बस इतने से? अब कुछ और दो ना। अरे परेशान मत करो यार, ये लो, कह दिया ना अब और पैसे नहीं है। चलो ठीक है, दुल्हन कहाँ है? एक मिनट धर्मा। धर्मा, ऑटो वाले को 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? एक मिनट। ओके ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ साहब, 200 रुपए दे दो साहब। देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल तू जहाँ कहेगा वहाँ कर दे दूंगा। अच्छा, मैं कल आके आपसे ले जाऊँ? क्यों मैडम, बोलो इनको पैसा देने के लिए। 100 रुपए नहीं है, अब क्या करें? बताओ ना धर्मा। अभी नहीं है तो फिर शादी के बाद क्या होगा है? रघो साहब, कल जब पैसे देने आओगे ना तो वहीं से मैडम को भी ले जाना। फालतू बात मत करना। एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा तो रिक्शा वाला कैसे कहलाऊंगा? प्लीज लड़ो मत, मैं कल तुम्हारे पैसे दे दूंगी। गारंटी क्या है? After all, 100 रुपीज। Oh God. Keep the change. सपना, मुझे गलत मत समझना, पैसा जिंदगी नहीं है, पर जीने के लिए पैसा चाहिए। टाइम हो रहा है बेटा। सपना चले।
तुम दोनों की पैदाइश इसी घर में हुई। ये सीता है और तुम सपना हो। ये नौकर की बेटी है और तुम जमुना दास की बेटी हो। तुम्हारा स्टेटस है, स्टाइल है, क्योंकि तुम जमुना दास की बेटी हो। सपना सपना है और सीता सीता है। ये बस तेरे बाप का नहीं फुकट में जाने का। चलो चल। ये रख लो, कल जहां पैसे देने आओगे वहीं से मैडम को भी ले जाना। सपना क्या हुआ? चलो। I'm sorry। किस लिए? नहीं मालूम था तुमसे शादी करना। क्यों चाहती थी, क्यों नहीं चाहती, ये सब नहीं जानती। बचपन में मुझे चांद बहुत पसंद था। जब जू पार गई तो हाथी मांगा। पापा ने हाथी ला दिया। क्या करती, एक दिन बोर हो गई। इस एज में फ्रेंडशिप, ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ये सब कितने दिन रहेंगे? शक है ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। जब तुम्हारी जेब में 100 रुपए नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? सपना, I don't understand। हम दोनों फ्रेंड्स ही रहेंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पैसा ना? हाँ बोलूँ या ना बोलूँ ये भी नहीं मालूम। सपना क्या है ये? वो भी मुझे नहीं मालूम। समझ गया, एक साल का टाइम दो, इतने पैसे कमा कर दिखाऊंगा कि देखना। नो, एक घंटे में, जस्ट इन वन आवर, आई एम सीइंग हेल, जस्ट इन वन आवर, नरक देखा मैंने, इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। धर्मा यहाँ क्यों आएगा? नहीं स्वप्ना, इमिडिएटली वो घर छोड़ दो, ही इज अ किलर, वो एक खूनी है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। टेक केयर। धर्मा नो। नो नो सपना रुको। नहीं नहीं, मुझे क्यों बांध दिया? सॉरी, तुम्हें मारना है इसलिए। मुझे प्यार करते हो ना, क्या यही प्यार है? प्यार से बांध दिया, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, देखो अभी बहुत पैसे हैं। रिजर्व बैंक से प्रिंट होने के बाद सीधे यहाँ लाया हूँ। ये करेंसी नहीं है, ये मेरा लव, 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 लव है। ये कॉर्ड, ये मेरा लव है। ये मरने तक देखती रहो, देखो देखो देखती रहो। देख लिया, अरेस्ट वारंट टू डेथ वारंट, खून के निशान से लेकर फांसी की सजा, सब देख लिया। वेरी गुड। क्या तुम्हें पता है हम कहां पर हैं? गोलकुंडा, गोलकुंडा किले पर है। यहाँ बहुत से युद्ध हुए, बहुत से लोग मारे गए। यहाँ खून, कईयों का शाप इन दीवारों पर तुम्हें दिखाई देगा। फिर भी मिल्की बार, द ग्रेट किंग, कुली कुतुब शाह, द ग्रेट लवर, भगवती रानी ने प्यार किया और चार मीनार बनवाया। हे, यू नो ताजमहल? प्यार नहीं, समाधि है। किसकी? मुमताज बेगम की। तुमको मुमताज के बारे में क्या मालूम है? किसी और की बीबी है, सेकंड हैंड लव। लोग ताजमहल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे मुमताज के पहले पति के आंसू दिखाई देते हैं। उसकी जगह मैं होता तो मेरी आंखों में खून आ जाता।
ये सब सुनकर मुझे लोग पागल समझेंगे। भाई काम क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे करें ये इम्पोर्टेंट है। आई लव यू ये इम्पोर्टेंट है। बट आई डोंट लव यू ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों तो प्यार क्यों किया, सबको छोड़कर मंदिर क्यों आई? तब तुमसे लव था, बाद में मालूम हुआ ये इंफेचुएशन है। और अब पहले मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया तो भाग जाओगे, शादी होने तक ऐसे ही बंधे रहो। शादी होने के बाद मैं तुम्हें पूरा 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 छोड़ दूंगा। अगर शादी हुई तो भी भाग जाऊंगी। मार दूंगा। मार दो। आज फ्रस्ट्रेशन में मारने के लिए कह रही हो, इमोशन में बचाने के लिए कहोगी, तुझे कुछ नहीं पता। एक बात बोलूं, ये सब मुझे पता था इसलिए बॉम्ब फिक्स किया, लव बॉम्ब। दोनों मिलकर जिएंगे नहीं तो मिलकर मरेंगे। डिसाइड कर लो, ओनली 6 मिनट लेफ्ट। पागल प्रेम के लिए इतने सारे गुनाह किए तुमने, इसके प्यार में इतने बेरहम बन गए तुम। छी माफ कर दो मुझे। मैंने उस सपना के प्यार के लिए सब किया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। Oh!
जैसी लड़कियों के लिए मेरे जैसे बहुत से लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मेरी जिंदगी की कहानी सुनकर उनकी आंखें खुलनी चाहिए। मैं लड़कियों को प्रणाम करके पूछ रहा हूं, लड़कों से आई लव यू बोल के उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों करती हैं? अगर आपका प्यार सच्चा है तो हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा होना चाहिए और किसी मुसीबत से टूटना नहीं चाहिए। प्लीज